हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बुलसाई नीट 2021 सेशन 3 के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इन दोनों मैचेस को हमें मिलाना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास में मैच द कॉलम में है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम फंक्शंस देखेंगे कि कौन कौन से हैं। फ्लैट मेम्ब्रेन से किन, स्ट्रोमा नहीं, ये तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टी, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की जो कुछ स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर ऐसी फोल्डिंग्स होती है, इसे हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टी, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन के सामने एक अपन मैच करेंगे किसको, सेकंड को। एंड नेक्स्ट वन 9+0 माइक्रोटिब्यूल्स, ये तो साइटोस्केलेटन के एलिमेंट्स हैं, इसे भी नहीं। साइटोक्रोम P450 एंजाइम, इसको भी हम मैच नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो सिंथेसिस होता है वो ER के अंदर होता है। एंड मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं, ये राइबोसोम से रिलेटेड है। 55S राइबोसोम, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 55S राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है, तो इसके साथ में आ गया सिक्स्थ ऑप्शन भी, ठीक है बेटा। एंड देन ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो भी यहाँ पर टेक्स प्लेस नहीं करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होना, हो सकता है फेट से कार्बोहाइड्रेट का बनना, प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट का बनना, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि कहाँ, कौन से ऑर्गेनल के अंदर रन करता है, ग्लाइऑक्सीजोम के अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ये भी नहीं होगा, डिटॉक्सिफिकेशन भी नहीं होगा। अब अपन आते हैं यहाँ पे सेकेंड वन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट है फ्लैट सेक्स इन स्ट्रोमा, ये भी नहीं होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की हमने बात की थी। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। एंड देन 9+0 माइक्रोटिब्यूल्स, ये भी नहीं होगा। साइटोक्रोम P450, ये जो एंजाइम है इसकी मेम्ब्रेन के अंदर सिंथेसाइज होता है, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वन इज द मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, राइबोसोम होता है, 55S माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, यह भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद में आता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस तो नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट सोर्स का फॉर्मेशन होना हो गया। एंड माइक्रोबॉडी, ये भी नहीं होगा। राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ये भी नहीं होगा। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का जो फंक्शन होता है वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू पार्ट्स होते हैं, ER के टू पार्ट्स होते हैं। वन इज द RER एंड अनदर वन इज द SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER का ही एक पार्ट है जो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालना, उनका काम कौन करता है, ये लीवर की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर भी जो ER होता है, SER होता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो गया टेंथ वाला। देन हम बात करते हैं थ्री, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे इसके अंदर कुछ ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनम, और ये फ्रेट चैनल्स हैं, और रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये क्या है, स्ट्रोमा है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि फ्लैट मेम्ब्रेन सेक्स इन स्ट्रोमा, फ्लैट मेम्ब्रेन सेक्स हैं स्ट्रोमा के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो किससे, स्ट्रोमा, ये वाला पार्ट है जो भी लिक्विड पार्ट है यहाँ पे, ये क्या हो गया, स्ट्रोमा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड के सामने आ गया ऑप्शन वन। सेकेंड वन इज द क्रिस्टी, क्रिस्टी यहाँ पे नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। 9+0 माइक्रोटिब्यूल्स भी यहाँ पे नहीं होते हैं।
साइटोक्रोम P450 भी यहाँ पे नहीं होगा, वो ER के अंदर होगा। मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर भी नहीं है। 55S ये भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं होगा एंड माइक्रोबॉडी भी नहीं होगा एंड राइबुलोज बिसफोस्फेट, राइबुलोज बिसफोस्फेट की हम बात करते हैं, RUBP जो कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन चलती हैं, तो उसके अंदर ये जो केल्विन साइकिल है उसके अंदर RUBP का रोल होता है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ रन करेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रन करेगा। तो यहाँ पे इसके सामने आ जाएगा फर्स्ट एंड नाइन्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हम सेंट्रियोल्स की, कि सेंट्रियोल्स के कहाँ क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे सेंट्रियोल्स को हम किससे मैच कर सकते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक सिस्टनी नहीं है, क्रिस्टी भी हमने देख लिया अभी, 9+0 अरेंजमेंट यस ये है। माइक्रोटिब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 होता है। फोर्थ के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आ गया यहाँ पे 3 एंड सेकेंड वन की हम बात करते हैं कि यहाँ पे 9+0 माइक्रोटिब्यूल्स का अरेंजमेंट मिलेगा, एकदम जो ट्रिपलेट होती हैं और बीच के अंदर जीरो अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, अब साइटोक्रोम P450 ये भी नहीं होगा, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल इज द मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, ये सेंट्रियोल का फ्यूचर है, ये अभी अपन ने देखा था फर्स्ट एंड फिफ्थ। अब रेस्ट ऑफ जो दोनों बच गए वो किसके लिए आ गए, ग्लाइऑक्सीजोम के बारे में हम बात करते हैं कि ग्लाइऑक्सीजोम के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे। एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा एंड माइक्रोबॉडी। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो भी सीड्स होते हैं, जो भी सीड्स होते हैं उन सीड्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस से जो फेट एंड प्रोटीन है वो किसमें, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। और ये जो साइकिल होती है साइकिल को बोलते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल। ठीक है, प्रोक्सीजोम लाइक एक्टिविटीज़ होती हैं ओनली इसी के, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबॉडी भी बोलते हैं। देन 7 एंड 8 ऑप्शन, 7 एंड 8th ऑप्शन, ये दोनों राइट हो गए। अब हमको ये जो नीचे दिए गए मैच द कॉलम के ऑप्शन इनमें से मैच करना है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया क्योंकि ओनली फोर्थ बता रहा है तो नहीं होगा इसका, 2nd एंड 6th ठीक है, ये वाला 4th एंड 10th ठीक है, 3rd के सामने 1 एंड 9 एंड 4th के सामने 3 एंड 5th एंड 5th के सामने 7 एंड 8th। तो सेकेंड आंसर, आंसर नंबर बी, ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है बेटा, अब अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन पे अपन आते हैं इसी सेशन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड, सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी फ्लूइड है, वेयर लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स कैन डिफ्यूज रैंडमली, लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स कैन डिफ्यूज रैंडमली डिफ्यूज कर सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स दिस मॉडल हैज़ बीन मॉडिफाइड इन सेवरल रेस्पेक्ट्स, इन दिस रिगार्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फ्लूइड मोजेक मॉडल के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है बेटा, इन्होंने ये प्रपोज किया था, कैसा होता है, इन्होंने बोला था कि प्रोटीन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है मेम्ब्रेन की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ पहले ही और यहाँ पे आपको ध्यान भी होगी, तो इसी के पॉइंट्स के बिहाफ पे हम बात करेंगे। इसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसे इसके अंदर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों साइड में मैं इन शॉर्ट ये बना रहा हूँ मेम्ब्रेन, कुछ ऐसी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मैं बहुत ही शॉर्ट में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ आपको एक्सट्रेंसिक प्रोटीन भी देखने को मिलेंगे स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर।
ठीक है, अपन ने कंप्लीट फ्लूइड मोजेक मॉडल। अब फ्लूइड मोजेक मॉडल का मतलब यही है कि यहाँ पे फ्लूइड की तरह जो प्रोटीन है वो लिपिड के समुद्र में तैर रहा है बीच बीच में। अब ये मैंने आपको थोड़ा क्ल्यू दे दिया, अब अपन इन पॉइंट्स को देखते हैं एंड डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है प्रोटीन्स कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड बाई लेयर। बिल्कुल गलत बात है, सबसे पहला अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो सबसे गलत बात है कि कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है। फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का वो किसकी वजह से है? फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का वो लिपिड की वजह से है। प्रोटीन का काम तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है, एक तरीके से स्टेबिलिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो लिपिड करेगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, तो प्रोटीन थोड़ी ना करेगा। ये जो है ये लिपिड है, ये क्या है, ये लिपिड है, और यहाँ पे ये प्रोटीन है, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। और ये कुछ यहाँ पर चैनल्स हैं, ये जो यहाँ पे चैनल्स हैं बेटा, ये किसके बने हैं, इंटीग्रल प्रोटीन के बने हैं ये चैनल्स। तो फर्स्ट पॉइंट इनकरेक्ट है, बाकी के करेक्ट क्यों हैं देखते हैं, बाकी के कैसे हैं। मैनी प्रोटीन्स आर रिमेन कम्प्लीटली एम्बेडेड विद द लिपिड बाई लेयर। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, मैंने तो यहाँ पे एक बनाया है जो कम्प्लीटली एम्बेडेड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ये मेम्ब्रेन है, ये लिपिड की क्या है, बाई लेयर है, और इस लिपिड की बाई लेयर के अंदर जो प्रोटीन है वो पूरा एम्बेडेड है, पूरी तरह से क्या है यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पर ये भी सही है। एंड प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाई लेयर, लिपिड की बाई लेयर के अंदर ट्रेवल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई ऊपर से कोई नीचे से कोई पूरा फंसा हुआ है बीच में। एंड ये भी सही बात है बिल्कुल, एंड द प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टेन डोमेन ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी जो प्रोटीन है जो कि क्या है पूरा कन्फाइंड है इसके अंदर, वो कुछ सर्टेन डोमेन्स में ही, ऐसे नहीं है कि पूरी मेम्ब्रेन के अंदर पूरी तरह धंसा हुआ है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जहाँ पर ही जो प्रोटीन है वो इसके अंदर धंसा हुआ है, और बीच बीच में यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है कुछ सर्टेन प्लेसेस के ऊपर ही मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये भी पॉइंट सही है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा जो करेक्ट आंसर है, ये जो स्टेटमेंट था ये कैसा था, इनकरेक्ट था। ठीक है, इनकरेक्ट था, तो अपना जो आंसर है वो क्या होगा, आंसर नंबर ए। आज के सेशन के हमने दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए, एंड थैंक यू वेरी मच।